नमस्कार, मैं सौरभ एमपीएस की पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, एमपीएस का अकाउंट खोलते समय आपको अपना इन्वेस्टमेंट ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ता है, यानी ये डिसाइड करना है कि आपका पैसा कौन और कैसे निवेश करेगा। एमपीएस अकाउंट ओपनिंग की चर्चा हमने इसी सीरीज के एक दूसरे वीडियो में की है। आज इस वीडियो में हम आपसे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के बारे में बात करेंगे। इन्वेस्टमेंट ऑप्शन सेलेक्ट करना हमेशा ही एक कठिन कार्य रहा है। हमें हमेशा लगता है कि इसके लिए हमें काफी जानकारी की जरूरत है या हमें किसी एक्सपर्ट की सलाह लेनी चाहिए, और इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए एनपीएस में इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस को काफी आसान बनाया गया है। एनपीएस में आपका पैसा सिर्फ 3 स्कीमों में निवेश किया जाता है, इक्विटी, कॉर्पोरेट बॉन्ड और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। जैसी जिसकी जरूरत वैसा उसका विकल्प। एनपीएस में निवेश करने के लिए आपको बस अपना पेंशन फंड मैनेजर चुनना है। पेंशन फंड मैनेजर रेगुलेटर यानी पीएफआरडी द्वारा नियुक्त की गई वित्तीय संस्था है, और यही पेंशन फंड मैनेजर आपका पैसा इन 3 स्कीमों में निवेश करेगा। इन 3 स्कीमों में पैसा निवेश करने के आपके पास 2 तरीके हैं। पहला, आपकी उम्र के अनुसार एक पूर्व निर्धारित रेशियो में, जिसे ऑटो चॉइस कहते हैं। ये तो आप सभी मानेंगे कि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है, हमारी रिस्क लेने की क्षमता घटती जाती है, और इसी बात को ध्यान में रखते हुए ऑटो चॉइस में आपका निवेश बदलता जाता है। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, वैसे वैसे इक्विटी और कॉर्पोरेट बॉन्ड में आपका निवेश घटता जाता है और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में बढ़ता रहता है, ताकि 60 साल की उम्र में आपका अधिकतम निवेश कम रिस्क वाले स्कीम में। और ऐसा करने के लिए आपको कोई अलग से रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं, ये बदलाव सिस्टम में खुद ब खुद होता रहता है। तो ऑटो चॉइस का ऑप्शन सेलेक्ट करके रिलैक्स हो जाइए। लेकिन अगर आप खुद डिसाइड करना चाहते हैं कि आपका निवेश कहां हो, तो ये ऑप्शन भी एनपीएस में मौजूद है। इसे एक्टिव चॉइस कहते हैं। एक्टिव चॉइस में आप खुद इक्विटी, कॉर्पोरेट बॉन्ड और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में अपने इन्वेस्टमेंट के परसेंटेज को डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन हाँ, ध्यान में रखिएगा कि आप इक्विटी में 50% से ज्यादा निवेश नहीं कर सकते। आपको ये सुविधा भी दी गई है कि आप अपना पेंशन फंड मैनेजर और अपना स्कीम बदल सकते हैं, और ऐसा करने पर किसी और इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट की तरह आपको कोई कैपिटल गेन टैक्स पे नहीं करना पड़ता है। आज इस वीडियो में बस इतना ही। अपना कीमती वक्त निकालकर इसको देखने के लिए धन्यवाद। एनपीएस की और अधिक जानकारी के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें।